आपका एक कॉन्स्टेंट डाउट रहता है कि वॉट शुड बी द राइट करियर पाथ क्या पहले मैं ग्रेजुएशन करूं फिर कैट का पेपर देके एमबीए करूं या शुड आई गो फॉर आई मैट एंड मेक माय लाइफ सॉर्टेड राइट आफ्टर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तो अगर टाइम की बात करें जो हमारा पहला पैरामीटर है टू कंपेयर तो जो टाइम फ्रेम रहता है अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो तीन साल का आपका ग्रेजुएशन है फिर दो साल का आपका एम है अगर आपने अपने करियर में पहले दूसरे साल में ही मन बना लिया है एम करने का तो कुछ बच्चे कैट की प्रेपरेशन जल्दी शुरू कर देते हैं हाई माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द सेशन आपका एक कांस्टेंट डाउट रहता है कि व्हाट शुड बी द राइट करियर पाथ क्या पहले मैं ग्रेजुएशन करूं फिर कैट का पेपर देके एमबीए करूं या शुड आई गो फॉर आई मैट एंड मेक माय लाइफ सॉर्टेड राइट आफ्टर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तो आज डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट कैन हेल्प यू डिसाइड वाइजली ऑन दिस पर्टिकुलर इश्यू राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड माई नेम इज जूही नरूला तो देखिए दोनों ही करियर पाथ्स आर गुड राइट right? ऐसा नहीं है कि किसी एक पाथ में कोई मेजर चैलेंज है बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप किस तरीके का पर्सपेक्टिव रखते हैं आपकी अप्रोच लाइफ को लेकर क्या है तो अगर टाइम की बात करें जो हमारा पहला पैरामीटर है टू कंपेयर तो जो टाइम फ्रेम रहता है अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो तीन साल का आपका ग्रेजुएशन है फिर दो साल का आपका एमबीए है और अगर आप इंजीनियरिंग करते हो और फिर एम करना चाहते हो तो आपके पास चार साल का एक पीरियड रहता है जहाँ पे आप इंजीनियरिंग करते हो और फिर आप दो साल एम करते हो राइट अगर तो आपने अपने अगर हम पहले पाथ की बात करें ग्रेजुएशन प्लस एम की अगर आपने अपने करियर में पहले दूसरे साल में ही मन बना लिया है एम करने का तो कुछ बच्चे कैट की प्रेपरेशन जल्दी शुरू कर देते हैं अगर डिफ़िकल्टी की बात करें तो कैट का डिफ़िकल्टी लेवल इज़ वे हायर देन आई पी मैट राइट कैट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो एग्ज़ाम देते हैं जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होता है राइट right? तो वो कई बार एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है तो जो कंपटीशन की बात है वो डेफिनेटली कैट में बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है एस कंपेयर टू आई पी मैट तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप एक ऐसा करियर पाथ लेना चाहते हैं जहाँ पे आप पहले तीन से चार साल अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ग्रेजुएशन में ही अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हो जैसे डेली यूनिवर्सिटी के किसी टॉप कॉलेज से कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो फ्रॉम आईआईटी या एनआईटी तो आपको कई बार जॉब प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स फिर एक करियर पाथ ये भी लेते हैं जहाँ पर वो अपना प्लेसमेंट एक्सेप्ट करके दो तीन साल का वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर अगर उनको रियलाइज़ होता है कि उनको करियर पाथ में आगे बढ़ने के लिए मैनेजमेंट की ओर जाना ही पड़ेगा जो कि एक बहुत कॉमन सिचुएशन है क्योंकि अगर आप इंजीनियर भी हैं या अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन के बाद कोई रोल लिया है टू टू क्लाइंब अप द लैडर टू ग्रो इन देरार की आपको मैनेजमेंट की तरफ जाना ही है और क्योंकि आजकल इतना कंपनीज uh, में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और मार्केट को देखते हुए आपके पास एक अच्छे कॉलेज से एम बी ए की डिग्री होना जरूरी है तो इवेंचुअली आपको किसी पाथ पे तो एम बी ए करना ही पड़ता है टू क्लाइंब अप द लेडर अंटल अनलेस आप कोई इंजीनियरिंग प्रोफाइल पिक कर रहे हैं और जहाँ पे आपका काम यू uh, नो you know, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा है राइट बट यूजली वी सी दैट एट समाइम प्रोफेशनल्स रियलाइज दैट एन एम बी ए डिग्री वुड हेल्प देम ग्रो तो ये आपके पास जब ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है टू एक्सप्लोर योर यू नो जॉब और टू टेक सम वर्क एक्सपीरियंस बट देर आर सम केसेस जहां पे कुछ बच्चे कैट का पेपर पहले अटेम्प्ट में नहीं पार कर पाते तो कई ईयर भी लेते हैं जबकि अगर आप ट्वेल्थ में हैं और उसके बाद अगर आप तुरंत एक कोर्स में इनरोल कर लेते हैं तो आपको पाँच साल का एक एंटायर आपका जो प्रोग्राम का पूरा पीरियड रहता है उसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो जाता है एक तरीके से और आपको एम की डिग्री भी मिल जाती है और अगर आपने इंदौर टारगेट कर लिया तो ऑफ़कोर्स आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है क्योंकि इंदौर पुराना आई में माना हुआ आई है राइट अब अब कॉस हमारे पास एक चॉइस ये भी है एक मेजर कंसिड्रेशन है कि अगर आप कैट के रास्ते से जाते हैं तो इक्कीस आई आई एम्स हैं और बहुत सारे और कॉलेजेस हैं जो आपका वेट करते हैं जब अगर आप आई पी मैट का रास्ता लेते हैं एम बी ए करने के लिए तो हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो रिलेटिवली कम है राइट तो अब आपको ये कॉल लेना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे अहमदाबाद से या बैंगलोर से या आई एम कोलकाता से अपना एम करना है तो वो वाली एक चॉइस रहती है जहाँ पे कुछ कॉलेज़ एक एग्ज़िट ऑप्शन भी देते हैं यानी कि आप तीन साल के बाद डिसाइड कर सकते हो कि आप उसी कॉलेज से अपना आप सपोज आप इंदौर में हैं तो एग्ज़िट ऑप्शन रहता है आपने तीन साल ग्रेजुएशन कर लिया और आपने रियलाइज़ किया कि नहीं यार मेरे को तो आई uh, आई एम अहमदाबाद से ही अपना एम करना है तो आप तीन साल बाद एग्जिट लेकर कर अहमदाबाद के लिए कैट का पेपर क्वालिफ़ाई करके इंटरव्यू को क्वालिफाई करके कैट का रास्ता भी ले सकते हैं बट अगर कंपटीशन की बात की जाए तो डेफिनेटली आई मैट इज़ ईजियर राइट और अगर हम इन टोटालिटी देखें कि अगर आप किस किसी बिना हर्डल के तीन साल की ग्रेजुएशन करने के बाद दो साल का एम करते हैं तो भी आपको पाँच साल का पीरियड लगता है टू बी कॉरपोरेट रेडी और आई मैट के प्रोग्राम की जो एक्चुअल ड्यूरेशन है, वो भी पांच साल है राइट बाकी अगर तो आप या 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 इंजीनियरिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस जो भी आपने आ, सोच रखा है राइट तो आप वहां पर बहुत इंटेंस फोकस करते हैं ऑन योर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट एंड देन यू गो फॉर अ स्पेशलाइज्ड एमबीए पर अगर हम आईपी मैट की बात करें तो हॉलिस्टिक करिकुलम होता है तीन साल का और उसके बाद दो साल आपको मैनेजमेंट सिखाते हैं right? राइट अगर हम नेक्स्ट बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो आपको अगर ग्रेजुएशन uh, करनी है तो अब क्योंकि आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है तो एक अच्छे कॉलेज से करनी है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स अब लेते ही हैं कॉलेजेस सी यू टी जैसे पेपर होते हैं तो आपको वो क्रैक करना है और उसके बाद एम करने के लिए कैट जी या अलग अलग कॉलेज़ अपने एग्ज़ाम करवाते हैं जैसे जेवियर्स एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको जैट कहा जाता है या सिम्बाइसिस अपना एक अलग एग्ज़ाम कराता है जिसको स्नैप कहा आता है तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स देके आप ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए कर सकते हैं राइट और अगर आप ट्वेल्थ के बाद सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन तो यही रहता है कि आप इंदौर रोहतक या जिपमैट को टारगेट करें तो जो चॉइसेस हैं वो रिलेटिवली कम होती हैं बट आपको कंपटीशन भी कम मिलता है राइट सो ये आपको डिसाइड करना है जो कॉस्ट है अगर आप किसी टॉप नॉच आई से एमबीए करते हैं तो ऑफ़कोर्स फीस बहुत ज़्यादा रहती है बट आरओआई भी अच्छा होता है यानी कि आप जितना पैसा लगा रहे हैं आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं तो आपके लिए कोई बहुत मुश्किल की समस्या नहीं रहती आई मैट uh, में अगर देते हैं तो लोअर क्यूमुलेटिव कॉस्ट रहती है राइट right? उसके बाद अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो हाई मैनेजरियल रोल्स आपको मिलते हैं राइट right? क्योंकि अगर आपने टॉप नॉच पर ये सारी कंसिड्रेशन तभी है कि आप एम करते हैं बहुत अच्छे कॉलेज से अगर आप कोई टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज से एम करते हैं तो ये कोई समझदारी वाली चॉइस नहीं है राइट right? अगर आप करियर में बहुत अच्छा स्टार्ट चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको टारगेट करना है कि आप टॉप नॉच कॉलेज से ही अपना एम करो तो यू गेट हायर लेवल मैनेजरियल रोल्स एंड करियर फ्लेक्सीबिलिटी रहती है राइट right? और अगर आप आई से पास आउट हो रहे हैं जैसे इंदौर से पास आउट हो रहे हैं तो आपके एक कार्पोरेट कंपनीज uh, आती हैं आपके प्लेसमेंट्स टॉप नॉच होते हैं राइट सो यू हैव टू सी कि अगर आप सोचते हैं कि भाई मेरे को तो वंस एंड ऑल फॉर ऑल सेटल होना है मुझे मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देने और उनके करियर को राइट इन द बिगनिंग ही ट्वेल्थ के बाद ही बिल्कुल अगर आपको क्लैरिटी है कि आपको एम ही करना है मैनेजमेंट के फील्ड में ही जाना है राइट इवन इफ़ यू आर थिंकिंग टू बी एन ऑन्थ्रोप्र तो ट्वेल्थ के बाद आई पी मैट क्रैक करके आई एम में जाना एक बहुत वाइज चॉइस है पर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अपनी ग्रेजुएशन के बाद इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना है वर्क एक्सपीरियंस गैदर करना है और मैं अपने लिए एक अच्छे आई एम ए बी सी ही टारगेट कर रहा हूँ राइट और या फिर कोई बच्चे जेवियर्स लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे जैड जैसे एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो फिर आप एक कॉन्शियस डिसीज़न ले सकते हैं राइट right? उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ऑफ ऑफकोर्स ग्रेजुएशन में आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है ज़्यादा चॉइसेस रहती हैं आपको आईपी मैट में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती राइट right? आपने एक करियर पाथ चूज़ कर लिया है मैनेजमेंट का तो यू हैव टू गो अहेड ऑन द सेम पाथ तो ये फ्लेक्सीबिलिटी का एक कंसर्न रहता है अगर आपने अपना माइंड अभी नहीं बनाया कि भाई मुझे तो एम ही करना है तो ग्रेजुएशन कैन बी द राइट वे बट अगर आपने अपना माइंड बना लिया है कि मुझे तो एम ही करना है और लीडरशिप रोल्स में मैनेजमेंट रोल्स में आगे बढ़ना है तो आप आईपी मैट का रास्ता चुन सकते हैं राइट? अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो फिर लोअर रिस्क है राइट क्योंकि आपके पास चॉइस है कि आप अपना फील्ड कैसे स्विच करना चाहते हैं, जैसे कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कर रहा है तो अगर उसको लगता है कि नहीं यार वो तो टॉप नॉच इंजीनियर ही बनेगा उसको आर एंड डी में ही जाना है राइट उसको आ, प्रोग्रामिंग ही करनी है कोडिंग ही करनी है तो उस केस में फिर आप एम टेक के लिए भी अपना आगे का करियर पाथ चूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एम बी ए है ना तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अगर आप ग्रेजुएशन का पाथ रहते हैं तो बट यहाँ पर अगर आप आई पी मैट में जाते हैं तो आपका एक फिक्स्ड करियर पाथ हो जाता है वेर यू आर गोइंग टू वर्ड्स मैनेजमेंट रोल्स ओनली राइट देन कोर्स प्रेस्टीज एंड नेटवर्किंग की बात करें तो अगर आप टॉप नॉच एम बी ए से कॉलेज uh, से अपना एम बी ए करते हैं तो आपकी ऑफकॉर्स स्टॉलिड नेटवर्किंग रहती है राइट और अगर आप आई uh, एम की बात करते हैं तो क्योंकि ब्रांड वैल्यू इंदौर की तो बहुत ही अच्छी है राइट और आप देखें तो जम्मू भी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है रोहतक भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा है राइट इन द अपकमिंग ईयर्स मतलब अगर आप नेक्स्ट ईयर भी एडमिशन लेते हैं तो उसके आगे पाँच साल देखें तो डेफिनेटली स्टेटस बहुत बढ़िया हो जाएगा राइट जो बेबी एम अगर जम्मू को रिसेंट टाइम माने तो भी पांच साल में तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा राइट तो ऑफकोर्स एक अच्छा ब्रांड वैल्यू है लेबलिंग अच्छी है राइट करियर सिक्योरिटी सर्टनिटी सेटलमेंट आ जाता है राइट तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप कंसिडर करके एक वाइज चॉइस ले सकते हैं बाकी कोई भी करियर पाथ आप लें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जर्नी में ईमानदार रहें और अपना हंड्रेड परसेंट दें आई होप दिस वीडियो हेल्प यू कीप वर्किंग हार्ड स्टे कंसिस्टेंट ऑल द बेस्ट